तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ एक कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं कमाल की एक टिप बताने वाला हूँ, जो कि आपको इसको फॉलो करेंगे तो आपको देखेंगे कुछ नया चेंजेस मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल में कोई चीज़ सर्च करते हैं या भी बोल सकते हैं किसी प्रोडक्ट को आपने अगर सर्च करा होगा, आपने देखा होगा, लाइक आपने कोई वॉच ही सर्च करी और आप देखेंगे कुछ टाइम बाद या कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद, जब भी आप कहीं फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हो या इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हो या कहीं भी एडवर्टाइजमेंट जो आती है वो उसी चीज़ से रिलेटेड आ रही होगी जो आपने प्रोडक्ट को सर्च करा होगा। ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है, सबने ये देखा होगा, ये बहुत लोगों के साथ होता है कि उसने कोई प्रोडक्ट को सर्च करा या किसी चीज़ को सर्च करा, लाइक आपने सर्च करा यार ये कुछ करी कोई लोकेशन, तो वो आपको टूरिस्ट प्लेस, अगर आपने कोई टूरिस्ट लोकेशन चूज़ करी है तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगेगा। ये सबके साथ होता है। ये क्यों होता है और कैसे आप उसको हटा सकते हैं ताकि जो चीज़ आपने सर्च मारी है वो उससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं आए, तो सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको ऐड के बारे में बताने वाला हूँ। लाइक अगर आप कभी कोई फेसबुक चला रहे हो या लाइक कोई आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या अगर आप कोई यूट्यूब चला रहे हो या कोई वेबसाइट भी खोल रहे हो, तो जो भी उसमें ऐप्स आती हैं सब गूगल के थ्रू ही आती हैं, तो उसी में आपका वही एड्स दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये ऐड आपको इसमें की तरफ दिख रही है, अगर आप ब्राउजिंग करेंगे तो आपको इसमें की तरफ दिखेंगी, और अगर आप कहीं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे होंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, अगर आपने इंस्टाग्राम को ओपन किया ये इंस्टाग्राम पे आपको ये ऐड दिख रही है, तो इस तरीके से आपको एड्स दिखती हैं। तो इस तरह से रिलेटेड आपको एड्स दिखेंगी अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करा हो, आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या हर जगह जहाँ जहाँ एडवर्टाइजमेंट आती है वो हर जगह आपको उसकी रिलेटेड ही एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा बिकॉज ऑफ गूगल। गूगल की तरफ से ही है, गूगल आपकी कुकीज़ को उठाता है और कुकीज़ के उठाने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट को बताता है कि भैया इनको ऐसे ये प्रोडक्ट की पसंद है, तो आप उससे रिलेटेड ही उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाएं। तो इस तरीके से काम करता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके पसंद है, आपके हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट आए, या बोल सकते हैं जो आपने प्रोडक्ट सर्च किया है उसकी आपको एडवर्टाइजमेंट शो हो, तो आप उसको हटा सकते हैं, उसको डिलीट करवा सकते हैं ताकि वो आपके पास शो नहीं हो। तो आपको उसके लिए करना क्या है, यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ जाना है आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे। यहाँ जाने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे, आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर अदर प्राइवेसी सेटिंग पे। अदर प्राइवेसी सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ एडवर्टाइजमेंट पे, एड्स लिखा हुआ है आपको ये दिख रहा होगा, आप इसके अंदर यहाँ पर आ गए। अब ये काम कैसे करता है, जैसा कि लिखा है मैनेज द इन्फो यूज टू शो योर एड्स, मेजर एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ये आपके परफॉर्मेंस और यूज़ के हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट उठाता है। तो यहाँ पर एक आपकी आईडी जनरेट हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं एक जैसे एक नंबर जनरेट हो जाता है जिसके थ्रू आपके जो एक्चुअल जो आप प्रोडक्ट सर्च मारते हैं आपके यूजर्स के हिसाब से जो आपको एडवर्टाइजमेंट शो वो सब यहाँ पर सेट आउट कर सकता है। आप चाहे तो यहाँ पर उसको रीसेट भी कर सकते हैं ताकि उससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं आए। आप जैसे कि आप दिख रहा होगा, रीसेट करेंगे तो होगा क्या, जैसे कि आपने देखा होगा आपको एक मोबाइल की ऐड आ रही है, वो आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं आपको सेम मोबाइल की आईडी दिखा रहा है और कुछ नहीं चाह रहा। आप चाह रहे हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट तो वही आए जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, बट कुछ नया आए, मतलब कि वही पुरानी एडवर्टाइजमेंट नहीं आए, उसी से रिलेटेड आए पर कुछ नहीं आए। तो आप उसको यहाँ पर रिसेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड उसी कैटेगरी की आएंगी बट नए आएंगे, नए प्रोडक्ट्स आपको दिखाई जाएंगे। तो आप उसको यहाँ पर रिसेट करके वो कर सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है द जनरेट अ न्यू एडवर्टाइजमेंट आईडी दैट एप्स कैन यूज फ्रॉम नाउ ऑन, वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है डिलीट द डिलीट योर करेंट एडवर्टाइजमेंट एप्स कैन स्टिल शो योर ऐड बट दे मे नॉट बी द रिलेवेंट और इंटरेस्टेड टू यू। बट क्या होगा, आप उसको डिलीट करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट तो आपको शो होगी बट वो वाली एडवर्टाइजमेंट शो होंगी जिसको आपको इंटरेस्ट नहीं करते, आप बोल सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट आपको पसंद नहीं है। एप्स यूज द डिवाइड एडवर्टाइजिंग आईडी टू शो योर पर्सनलाइज्ड एड व्हेन यू लूज पर्सनलाइज्ड इट्स मीन दैट यू हैव लेस कंट्रोल ओवर द टाइप ऑफ एड दैट यू सी। पर्सनलाइज्ड एड आल्सो हेल्प लाइक न्यूज पब्लिकेशन कीप देयर कंटेंट एंड सर्विस। नाउ योर एडवर्टाइजमेंट आईडी विल डिलीटेड बट ऐप मे देयर ऑन सेटिंग विच कैन आल्सो इफेक्ट द एड दैट यू आर। जब आप इसको डिलीट कर देंगे तो वो एड्स आपको उससे रिलेटेड नहीं दिखाएगा। और इसके बारे में अगर आप कुछ ज़्यादा और जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लर्न मोर पे क्लिक कर देंगे,
तो वो आपको गूगल की एक वेबसाइट पे ले जाएगा जिसके बारे में आपको सारी डिटेल बता देगा कि क्या एक्चुअल में वर्क करता है और क्या क्या ये होता है। बट मेनली चीज़ यही है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखे जो आपने सर्च करी हुई है, तो आप उसको यहाँ पर डिलीट कर दीजिए भाई, उससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी। बट एड तब भी आपको शो करेगा, वो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, बिकॉज क्योंकि एड परमानेंट ब्लॉक नहीं होती है। एड तो जरूर शो होगा बट वो वाली एड नहीं होगी जो आपको इंटरेस्ट है या फिर जो आप ने प्रोडक्ट को सर्च करा है। ये उन लोगों के लिए होता है यार भाई, कुछ ऐसा प्रोडक्ट उन्होंने सर्च कर लिया जो उनको लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ था और उन्होंने वो बाय भी कर लिया, बट फिर भी बार बार उनको उसी प्रोडक्ट की डिटेल शो होती जा रही है, तो वो ये डिलीट कर दीजिए, उनको वाली प्रोडक्ट की डिटेल नहीं शो होगी। इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही टेक्निकल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन मिलेगी, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो थैंक यू।